है, कोई और स्टॉक है? मैं मतलब एक थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल आपने प्रीएम्प्ट किया, जिंदल स्टील पर ही कॉल है, 541 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अच्छा मोमेंटम है, 535 का स्टॉप लगाकर चलेंगे। मुझे लगता है 560 तक जाना चाहिए, 560 यस पॉसिबल है, हो सकता है एक या दो दिन लगे, लेकिन यस ध्यान देना चाहिए जिंदल स्टील, यू प्रीएम्प्टेड इट जस्ट ब्यूटीफुली वेल। देखिए मैंने प्रीएम्प्ट इस तरीके से किया क्योंकि आज मेटल्स में मोमेंटम है और गाबा सर को पता है कि जेएसपीएल उसमें सबसे ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है, सबसे ज्यादा वही चलता है, तो इसके लिए वो कॉल वही लेते हैं, इसके लिए मैंने आज तक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट और पूरा पैक एक्टिवली ट्रेड करता हुआ जेएसपीएल सबसे ज्यादा गेन दिखा रहा है, अब 2% ऊपर, 560 का टारगेट गाबा साहब का। मानस गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए मेट्रोपोलिस पे खरीदारी करनी है, अगर आप कल देखिए तो हमें लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिली थी, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी, आज स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है, तो मेट्रोपोलिस में खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस 1289 के रहेंगे और टारगेट 1350 के टारगेट सेट करिए मेट्रोपोलिस में, दोनों ही कैश लेवल्स है। ओके मेट्रोपोलिस पर फोकस करिए। चलिए ये दो ट्रेड्स हो गए इस समय, जेएसपीएल और मेट्रोपोलिस। सचिन गुड मॉर्निंग, सचिन स्वागत है शो में, बताइए आपकी कॉल। गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग अर्षदा। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से कल की क्लोजिंग हुई थी, लगभग अपने 3 दिनों के हाईस को एक साथ इसने निकाल दिया था एंड वापस जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, मुझे लग रहा है आज ही 2560 के आसपास का यहाँ पर स्विंग कंफर्टेबली नजर आना चाहिए, 2570 का तो 2670 का तो पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है, बट फिलहाल मोमेंटम के लिहाज से 2515 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी 2560 के इंट्राडे टारगेट के लिए। इंट्राडे टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2560 का, और याद रहे अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि जो चैनल देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है और जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो ये हमारी तरफ से क्लियर डिस्क्लोजर। आशीष चतुर्मोता बताइए आपका ट्रेड इस समय का, आप म्यूट पर हैं सर जी, आई एम सॉरी जी बोले। हर्षिता पहले तो मैं जाना चाहूंगा डालमिया भारत के साथ जिसपे हमने सुबह भी बात की, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, डिस्क्लेमर है कि स्टॉक हम ओन करते हैं बट हमें लगता है यहाँ से 100-125 रुपए की एक अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। दूसरी पिक मेरी होगी प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर में, प्लेटफॉर्म बिजनेस में जो स्टॉक हमें पसंद है, अगेन डिस्क्लेमर, स्टॉक हम ओन करते हैं, वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में जिस तरह से लास्ट 2-3 दिनों में वॉल्यूम एक्शन हमें देखने को मिला और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की ब्लॉक डील्स पूरे स्टॉक इस स्टॉक के अंदर में हुई, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया एक अच्छे हैंड्स के अंदर में ये स्टॉक आ चुका है और 720 तक की एक अपसाइड मुझे लगता है पोजिशनली वीकली और मंथली चार्ट को देखते हुए नजर आता है। 625 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है, तो मेरे हिसाब से 7-8% की अपसाइड की गुंजाइश पॉलिसी बाजार के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके पॉलिसी बाजार पर ध्यान दीजिए। अच्छा आशीष चतुर्मोता एक फॉलो अप चाहिए इंडियन होटल्स पर, 330-340 पर आपने वो स्टॉक की कॉल ली थी, आपके पोर्टफोलियो में आपने कहा था डिस्क्लोजर के साथ, अब 400 यहाँ पर, क्या व्यू यहाँ पर? नहीं तो देखिए चार्ट तो अभी भी बेहतरीन है अनुज, हमने तो एक अच्छे जब स्टॉक करीब 395 के आसपास था पिछली बार, पिछले दो हफ्ते पहले गया था तब हमने उसको प्रॉफिट बुक किया है, पर हमें लगता है कि जिस तरह के स्ट्रक्चर है वो अभी भी प्रॉमिसिंग है, हालांकि वैल्यूएशन के टर्म्स में जरूर एक्सपेंसिव होते जा रहा है बट चार्ट कहीं पे भी वीक नहीं हो रहे और मुझे लगता है एक नया बेस कहीं ना कहीं स्टॉक का 388 पे बना है, जब तक ये 388 के लेवल के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है मैं समझता हूँ 415 से 420 तक की गुंजाइश आपको इंडियन होटल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, एक बार जरा मेटल्स इंडेक्स वापस लेकर आइए स्क्रीन पर और देखिए, अगर आप सुबह से आवाज के साथ जुड़े हैं तो आपको अच्छी ट्रेड्स यहाँ पर मिली होंगी और खुलने के बाद भी एक अच्छा मूव मेटल्स इंडेक्स में 1.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को सब डे हाई पर, नैल्को, सभी के सभी स्टॉक्स इस समय करीब करीब डे हाई पर। प्रशांत जी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी बिल्कुल वही सेक्टर जो आपने अभी मेंशन किया, जेएसडब्ल्यू स्टील 770 के एक अहम रेजिस्टेंस के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 760 का और जो टारगेट रखेंगे करीबन 790 से लेके 795 तक का। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील में साफ उभर कर आ रहा है। मयूरेश आपने कुछ पिक किया है ओपनिंग के बाद? नॉट रियली अर्षिता जी, आई थिंक वी आर गोइंग आउट विद आवर जो पिक्स हमने पिछले कुछ हफ्तों में लिए थे, तो आई थिंक मिड कैप इंफ्रा, थोड़े सीमेंट स्टॉक्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक लार्ज कैप्स में,
एंड डेफिनेटली सम ऑफ दी रेलवे नेम्स जो मैंने मेंशन किए थे, समथिंग लाइक एन IRFC, टेक्सपैक रेल, आई थिंक ये स्पेसेस थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अल्ट्राटेक इनफैक्ट आधा परसेंट ऊपर, ये कॉम्प्यूटर्स रेडार पर रहेंगे। राजेश सातपुते बताइए, आपने क्या पिक सिंगल लिया है? हर्षदा जी देखिए, नजर तो मेटल सेक्टर पे ही है और उसमें से मेरा पिक रहेगा हिंडाल्को। इनफैक्ट JSW स्टील वाज द अर्लियर पिक, लेकिन कोई नहीं। देखिए हिंडाल्को का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 400, 448, 450 का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है, तो करंट लेवल से 20 रुपए का मूव प्रोबेबली हिंडाल्को अनफोल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मूव मुझे अच्छा लग रहा है। So I would like to create a long position with a stop loss of 425. तो सिर्फ 5 रुपए का stop loss होगा और सामने 15 से 20 रुपए की rally हिंडाल्को में अनफोल्ड हो रही है। हर्षदा जी सिर्फ इसमें और एक ऐड करूंगा, अगर किसी को ऑप्शन के द्वारा इसे ट्रेड करना है तो 430 का कॉल ऑप्शन करीबन 11.50 रुपए पे है, इससे बाय करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 8 रुपए के आसपास और टारगेट 18 का करें। और हर्षदा जी डिस्क्लोजर के साथ ये कॉल जो है हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया है, बढ़िया कॉल दिख रहा है। ओके आशीष बहेती जी आपकी कॉल रह गई है, बताइए क्या क्या कॉल लेंगे? जी अनु जी, हिंद कॉपर में खरीदारी की सलाह रही है, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर इसका भी देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से हिंद कॉपर ने अपने अभी फेब से सारे हाई स्कोर आज गेन करने का कर रहा है, हमें लगता है यहाँ से 119 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। 114.50 रुपए का 114 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है और टारगेट ऑफ 119। इनफैक्ट मेरी भी नजर हिंदुस्तान कॉपर पर ही जा रही थी क्योंकि वहां पर धीरे धीरे करके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।